महीने का अगर 1 लाख रुपए डिविडेंड के तौर में मिल जाए, ओए होए होए होए, जिंदगी भाई साहब सेट। बट आपको टेंशन हो रही है, डिविडेंड तो मिल नहीं रहे अभी, कैसे मिलेंगे, कौन से स्टॉक्स लें, कैसे डिविडेंड पोर्टफोलियो में बनाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि गोरा आ गया है, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, थोड़ा हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दिए, परफेक्ट। अब आराम से टेंशन को रखो साइड में, वीडियो देखो एंड तक, आपकी प्रॉब्लम आज सॉल्व। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I am an investor trainer and mentor in stock market. आज हम बात करने वाले हैं about dividends. Dividends ये शब्द एक Indian investor के मुंह पे जितनी खुशी लाता है ना, भाई साहब और कुछ लाई नहीं सकता। और खुशी की बात कर रहे हैं ना, तो दोस्त हल्की सी फेस में स्माइल ले आओ। ओहो, कितने सुंदर लग रहे हो। जैसे आप स्माइल करोगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी। इस साल मैंने डिसाइड किया है, इस साल मैं ज़्यादा स्माइल करने वाला हूँ। और स्माइल करने की वजह है यार, देखो गोला ने क्या पीली शर्ट पहनी, अच्छी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और स्माइल करना मत भूलना। आपको पता है BSE 500 की 70% कंपनीज डिविडेंड्स इशू करती हैं, और डिविडेंड्स इतनी अच्छी चीज़ है बिकॉज आपको सेकेंडरी इनकम भी मिल रही है, प्लस जिस शेयर में आपने पैसा डाला है उसकी वैल्यू बढ़ी है, कैपिटल गेन भी हो रहा है और इनकम भी मिल रही है, एंड दैट इज व्हाई वी इंडियन इन्वेस्टर्स लव इट। अब डिविडेंड्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज। सबसे पहले किस टाइप के स्टॉक्स में डिविडेंड आता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे लोग मार खा जाते हैं डिविडेंड के चक्कर में, घाटा और मिल जाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटली गुड स्टॉक्स जो अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं। अब सबसे पहली टाइप कंपनी होती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बेसिकली सरकारी कंपनीज। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी में सबसे बड़ा होल्डर कौन है उस कंपनी का? सरकार, भारत सरकार। तो जनरली ये देखा गया कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है ना, ये भर भर के डिविडेंड्स इशू करते हैं। व्हाई? सबसे पहली चीज, इनका ऑब्जेक्टिव कभी प्रॉफिट होता नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव बहुत ब्रॉडर होता है, सोसाइटी को बेनिफिट करने का भी होता है। दूसरी चीज, डिविडेंड्स मिल रहे हैं, सरकार की इनकम हो रही है, सरकार के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, सरकार का डेफिसिट कम हो रहा है, इस चक्कर में हम रिटेल इन्वेस्टर्स को भी डिविडेंड मिल जाता है। तो सबसे पहले टाइप तो होते हैं PSU स्टॉक्स। सेकंड टाइप कंपनीज जो डिविडेंड देते हैं वो होते हैं साइक्लिकल कंपनीज। अब साइक्लिकल कंपनीज क्या होता है ये समझते हैं। दो टाइप के बिजनेसेस होते हैं, एक तो हो गया साइक्लिकल बिजनेसेस, एक हो गया नॉन साइक्लिकल बिजनेस। ठीक है, साइक्लिकल बिजनेस क्या मतलब हुआ? सिंपल, जो साइकिल में चल रहा है। तो सेक्टर्स या बिजनेसेस जिनमें इकोनॉमी के ऊपर जाने से बिजनेस को बहुत फायदा होता है वो होता है साइक्लिकल, जैसे कि रेस्टोरेंट, फैशन हाउसेस, होटल्स, एविएशन, साइक्लिकल बिजनेस है। और जब इकॉनमी अच्छा नहीं करती ये बहुत खराब करते हैं। नॉन साइक्लिकल बिजनेस वो होते हैं जो कॉन्स्टेंटली ग्रो करते ही रहेंगे, हल्के हल्के हल्के, वो कभी आपको इतना ग्रोथ रेट नहीं देंगे बट कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहेंगे। जैसे FMCG, फार्मा, इनकी डिमांड तो मिनिमम ही रहेगी, कभी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी भी नहीं और मेंटेन रह के बढ़ती रहेगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ नॉन साइक्लिकल बिजनेस। क्लियर हो गया? दो टाइप की कंपनीज कौन सी है सर? देखो ये हो गया क्लियर। अब एक काम करते हैं, इन कंपनीज की 1 ईयर रिटर्न देते हैं इनकी डिविडेंड यील्ड के साथ। ब्रिलियंट है ना, देखो डिविडेंड यील्ड भी कितनी स्ट्रांग है और कैपिटल ग्रोथ भी हो रही है, बट ये 1 ईयर है और पिछले साल मार्केट्स काफी भागे थे। एक काम करते हैं, इनका 5 ईयर रिटर्न देखते हैं, और सिचुएशन अब इतनी अच्छी नहीं है। 5 ईयर रिटर्न में ना ये स्टॉक्स आपको नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं, जबकि मार्केट्स इतने बुल फेज में थे, और तभी भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं थिंकिंग ऑफ डिविडेंड्स, बट हो जाता है नुकसान। इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है शायद FD से भी खराब हो। ये देखिए सर, ये है FD की रिटर्न्स। अब ऑन एवरेज मिलता है कि FD आपको दे रही है 7%। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी की 5 ईयर डिविडेंड यील्ड और 5 ईयर CAGR रिटर्न। ये देखिए सर, सिर्फ 3 कंपनीज हैं, 3 कंपनीज जिन्होंने FD से ज्यादा दिया है, और मैं पिछले 5 साल की बात करूँ जब मार्केट्स अलग लेवल पे भागे हैं। 3 कंपनी ज्यादा दिया है, वो भी क्यों ज्यादा दिया है? ये ज्यादा एनर्जी और पावर कंपनीज हैं, एंड रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में ये कंपनी बहुत बढ़ गई थी। तो जब भी आप डिविडेंड का पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो ना, ये स्टॉक्स आपको नहीं लेने हैं अपने पास। अगर आप मार्केट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, साइक्लिकल स्टॉक्स आपको नहीं लेने अपने पास, बिकॉज वो स्टॉक्स में आपको टाइम करना पड़ेगा, आपको ज्यादा नॉलेज और टाइम डालना पड़ेगा मार्केट्स में। अब देखो दोबारा टेंशन लेनी शुरू कर दिया, समझ नहीं आ रहा टेंशन, गोयला इधर बैठा हुआ है भाई तभी भी टेंशन ले रहे हो, तो अब टेंशन मत लो। अब मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स विच हैव अ गुड डिविडेंड यील्ड। सबसे पहली कंपनी आती है HCL टेक्नोलॉजीज। अब HCL क्या करती है हम सबको पता है, इट्स एन आउट एंड आउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। ये बिजनेस को आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बेसिकली एंड टू एंड IT सॉल्यूशंस देती है टू एनी बिजनेस। HCL कितना बड़ा है ये आपको इन नंबर से पता चल जाएगा। HCL इज अक्रॉस 52 कंट्रीज, इनके 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। Fortune 500 जो कंपनीज है ना, उनमें से 250 कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। जो ग्लोबल 2000 कंपनीज हैं, उनमें से 650 कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। ये क्लाइंट बेस किसी IT कंपनी के लिए मजाक नहीं है, दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग HCL इज। अप टू टॉप इट ऑफ,
HCL क्या कर रहा है, 100+ कंपनी से पार्टनर कर रहा है, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहा है, सो दैट उनकी हेल्प से, उनकी टेक्नोलॉजी से दे कैन मेक द सर्विसेज इवन बेटर. दे हैव डन अलायंसेज विद माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, EMC, ओरेकल, IBM, टिपको, HP, सर्विस नाउ, सब से. इसको बोलते हैं स्मार्ट कोलैबोरेशन एंड टू मूव अहेड विद इट. अब अगर डिविडेंड की बात करेंगे, इनकी 5 साल की डिविडेंड यील्ड है 2% और करंट ईयर की डिविडेंड यील्ड है 3.65%. और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, तो देखो यार, मेरे फेस में स्माइल है ही, आपके फेस में स्माइल मैं ले आऊंगा, बट अगर आप एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दोगे ना, तो मेरी पूरी टीम की फेस में स्माइल आ जाएगी सिर्फ आपके एक क्लिक से. सो प्लीज हेल्प अस आउट. सेकंड कंपनी आती है ITC. अगेन, दिस इज वन कंपनी जिसको शायद किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. ये कंपनी होटल्स में है, ये एग्री प्रोडक्ट्स में है, ये कंपनी टबैको में है, ये कंपनी FMCG है, ये पैकेजिंग में, दे आर इन एवरीथिंग. आप इनकी ब्रांड्स देखो, सनफीस्ट, यिप्पी, फियामा, विवेल, एंगेज, क्लासमेट और ऐसी भर भर के ब्रांड्स हैं. दिस इज व्हाट ITC इज. अब इनकी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहला इनका FMCG सिगरेट्स का बिजनेस, टबैको का बिजनेस. ये इनका 40% रेवेन्यू ला रहा है और टबैको पे मैंने वीडियो बनाई थी दैट हाउ टबैको स्टॉक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द कमिंग फ्यूचर. उसके बाद ये एग्री बिजनेस में भी है और उल्टा इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स, ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, कॉफी, मरीन प्रोडक्ट्स. ब्रिलियंट है. जो थर्ड इनका सेगमेंट आता है पेपर बोर्ड्स, पेपर पैकेजिंग में, उसमें भी ये इंडिया में लीडर हैं इन द पेपर बोर्ड सेगमेंट. और इसके बाद अगर होटल बिजनेस की बात करें तो हिंदुस्तान में ये सेकंड लार्जेस्ट चेन है. दिस इज व्हाट ITC इज. मुझे और कुछ ITC के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब ने ITC का मजाक उड़ाया था, मी माइसेल्फ इंक्लूडेड, कि ITC नीचे गिरा है और कैसे टर्न अराउंड किया ना, हम सब हो गए चुप. तो सीधा उतरता है इसकी डिविडेंड यील्ड में. इनकी 5 साल की एवरेज डिविडेंड यील्ड है 2.6% और इस साल की इनकी डिविडेंड यील्ड है ऑफ 3.43%. थर्ड कंपनी है टेक महिंद्रा. यस, एक और IT कंपनी है, बट इस IT कंपनी के पास एक चीज है जो किसी और के पास नहीं है, वो है 5G. अब ब्रॉडली समझते हैं, ये बिजनेस देखो IT सॉल्यूशंस में है ही, ये कंसल्टिंग प्रोवाइड करता है, आउट एंड आउट बिजनेसेस को IT सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. बट एक एडवांटेज जो उनके पास है, That is of 5G, जिसमें ये एक्सपर्ट है. जब 5G की डिमांड बढ़ेगी और जो बढ़ रही है, टेक महिंद्रा इज द टॉप IT कंपनी जो इसका बेनिफिट उठाएगी. क्यों, मैं बताता हूं. सबसे पहले, ये ओनली IT कंपनी है जो डेडिकेटेड 5G नेटवर्क्स और उनकी सर्विसेज में प्रैक्टिस कर रहा है और उसमें पूरा सेगमेंट है जिसमें काम कर रहे हैं. जो लेवल की एक्सपर्टीज इनके पास है वो किसी के पास नहीं है. दूसरा, जो ग्रीनफील्ड नेटवर्क है उनके पास इसमें अच्छा खासा वॉलेट शेयर है. प्लस इनके प्रॉपर 5G लैब्स बने हुए हैं इन वॉशिंगटन, मलेशिया, पुणे, बेंगलुरु, नागपुर, और ये अभी की नहीं है, 3-4 साल पहले से हैं. जो एक्सपर्टीज और R&D इसके पास होगी ना, इट इज कंप्लीटली अनपैरल्ड अगर मैं सिर्फ इंडियन IT कंपनीज की बात करूं तो. अब बात करें इसकी डिविडेंड यील्ड के बारे में. डिविडेंड यील्ड इनकी 5 साल की है 3% और करंट ईयर की है 1.48%. फोर्थ कंपनी है ICICI सिक्योरिटीज. एक सेकेंड, ICICI सिक्योरिटीज, नॉट बैंक. मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूँ. ये जो इनका बिजनेस है, इस बिजनेस के पार्ट में ये ब्रोकिंग करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस पे ये पैसे कमाते हैं. इनका 89% रेवेन्यू आता है ब्रोकरेज से एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, कमोडिटी हो गई, डेरिवेटिव्स हो गए, अमंग ऑल एसेट क्लासेस. जस्ट बाय दिस आपको समझ आ जाएगा कंपनी कितनी बड़ी है. इस कंपनी का 9% मार्केट शेयर है इन द इक्विटी सेगमेंट. इनका 4% मार्केट शेयर है इन डेरिवेटिव्स एंड SIP इन फाइनेंशियल 2022 और इस कंपनी का 22% मार्केट शेयर है इन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री. तो आप खुद देख सकते हो ये कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और ICICI से बैक्ड अप है, तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है. अब बात है इसकी डिविडेंड यील्ड की. इनके 5 साल का डिविडेंड यील्ड है 3.2% और करंट ईयर का डिविडेंड यील्ड इज 4.88%, व्हिच इज अमेजिंग. फिफ्थ कंपनी है इन्फोसिस. अगेन IT कंपनी है, आउट एंड आउट IT सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. इन्फोसिस क्या करती है हम सबको पता है. अब क्यों इन्फोसिस इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है? सबसे पहली चीज, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी बिहाइंड TCS, सो दैट इज इटसेल्फ ह्यूज. मैनेजमेंट इनकी ए क्लास है, उसको क्वेश्चन कर नहीं सकता है. अब आते हैं इनके माइलस्टोन्स के बारे में. डिजिटल रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 25.5% टू 57%, और ये सब 2018 और 2022 के बीच में हुआ है. इनका रेवेन्यू ग्रोथ कॉन्स्टेंट करेंसी का हैज इंक्रीज फ्रॉम 5.8% टू 19.7%. ब्रिलियंट. $100 million प्लस के जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, देव इंक्रीज फ्रॉम 20 to 38 कॉन्ट्रैक्ट्स, जो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है. उसके बाद इनका बहुत सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख ही रहे हैं. फिर टोटल शेयर होल्डर रिटर्न की बात करूँ ना, पूरी IT इंडस्ट्री में इसका हाइएस्ट है. अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की. इनका पास्ट 5 years का डिविडेंड यील्ड इज 1.7% एंड करंट ईयर का डिविडेंड यील्ड इज 2.5%.
बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मुझे पता है, चिंता मत करो मैं पूरा समराइज करने वाला हूँ। ये है पूरा समरी। HCL टेक्नोलॉजीज की डिविडेंड रही 2% और रिटर्न रही है 18%, तो मैं टोटल रिटर्न कर रहा हूँ 20%। ITC में हिसाब से रहा है 8%, टेक महिंद्रा में रहा है 18%, ICICI सिक्योरिटीज में 9%, इन्फोसिस में 25%। इसका पूरा एवरेज ले लेंगे ना तो आपको 16.3% हाथ में आ रहा है। जस्ट इमेजिन, सारी उंगलियां घी में भाई साहब, डिविडेंड भी मिल रहा है, कैपिटल गेन भी हो रहा है। और अगर अभी भी कंफ्यूजन हो कि यार गोयला मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा, इन स्टॉक्स में कैसे करूंगा, म्यूचुअल फंड बता दो, तो सर मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड्स भी बता रहा हूँ। डिविडेंड्स के लिए आप देख रहे हो तो दो म्यूचुअल फंड्स जिनको आप स्ट्रॉन्गली कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहला ICICI प्रूव डिविडेंड यील्ड इक्विटी डायरेक्ट, सेकंड है SGSE डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट। सारा मैंने आपको बता दिया है, बट देखो सब्सक्राइब का प्रॉमिस आपका बाकी है, कमेंट करके बता दो। हर्ष मजे आ गए। और अगर आपको डिविडेंड यील्ड नहीं चाहिए, आपको वो स्टॉक्स चाहिए जो 100 रुपए के नीचे और अच्छे हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, तो सर ये वीडियो बेस्ट स्टॉक्स अंडर 100।